उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मकान में अचानक से लगी भीषण आग, नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में कोई नहीं था मौजूद, पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर पाया काबू। यूपी के चंदौली में गेहूं के कटाई के दौरान हार्वेस्टर से निकले चिंगारे ने मचाई तबाही। आग से गेहूं के 25 एकड़ फसल जलकर राख, गेहूं की कटाई कर रहा हार्वेस्टर भी जला। उत्तर प्रदेश के बागपत में हाईवे पर घायल तेंदुआ खेतों में जा घुसा, करीब 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उसे ठीक होने पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मछली पकड़ने का युवक पर मगरमच्छ ने हमला किया, एक हाथ धड़ से किया अलग। युवक के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला बिल्डिंग लेंटर का गिरने का मामला, मलबे में अभी 20 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका, 7 से 8 मजदूरों को मलबे से निकाला गया, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक फरार। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया, गाली गलौज को लेकर आरोपी ने की थी छोटे भाई की हत्या, आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहन की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या, भाई का शव भी पेड़ पर फंदे से लटका मिला, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। यूपी के बलिया में अचानक आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी, करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त रोड शो, सड़क के दोनों तरफ उमड़ा जनसैलाब, प्रधानमंत्री पर समर्थकों ने बरसाए फूल। कानूनों की बस से पता नहीं चलता वोटर का मूड। हम मोदी रंग में रंगे हुए हैं, महिला शक्ति की ताकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेगा सत्ता का रूप, बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। करंटीन की जो चली है वो आगे भी पूरी चलेगी। बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। एसी बस से समस्या पता नहीं चलेगी, सबको रोजगार मिले, महंगाई कम होनी चाहिए, काम पे वोट करेंगे। आम चुनाव आम लोगों के बीच, मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन, पूरा इस जनता को सुखी रखना है तो बदलाव अब अनिवार्य है। दिल का अब की बार चुनाव है, दल का चुनाव नहीं है। जमीन से बताएंगे जनमत का मन, सड़कें नई नई बन गई हैं, किसी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। रिपब्लिक पर जनता का मन। तीसरी बार 400 पार का नारा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पद चिन्हों को कार्य करेंगे। रामनवमी को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है, उद्घाटन हुआ, रामलला विराजित हुए, अब उनके प्राकट्य का समय आ रहा है, यानी कि अब उनके जन्म का समय है, उसको लेकर कितने उत्साह। रामनवमी जो है श्री राम जी के उत्सवों में सबसे प्रधान उत्सव है, रामनवमी जैसा कोई उत्सव है ही नहीं। रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान के अवतरण दिवस हैं, और यह अवसर जो है बड़ा ही सौभाग्यमय है। जो भी अयोध्या में स्नान करेगा रामनवमी के दिन, यहाँ सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, सब ऋषि मुनि आकर के रामनवमी में स्नान करते हैं, तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। रामनवमी में हम बराबर स्नान करते रहे हैं, लेकिन इस बार की जो उत्साह, इस बार का जो माहौल यहाँ दिख रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। बहुत सुंदर माहौल है, और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सदा निरंतर कुर्सी पर विराजमान रहें, और हम लोग अपने सनातन संस्कृति को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें, बस यही कामना है भगवान से, उनको कुर्सी पर विराजमान रखें। विपक्ष की अगर बात करें तो वो अभी भी ये मुद्दा उठाता है कि राम पर किसी का एकाधिकार नहीं है, फिर भी क्यों अधिकार जता। देखिए, राम पर तो सबका अधिकार है, लेकिन हमने विपक्ष को कब रोका कि राम मंदिर में तुम सहयोग न करो। आदरणीय मोदी जी ने कोर्ट के माध्यम से सनातन धर्मियों के आग्रह पर जो निरंतर संघर्ष चला, वो संघर्ष का ये परिणाम है कि राम मंदिर है, और विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष पास कोई मुद्दे नहीं है, तो विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष को निमंत्रण दिया गया राम जन्मभूमि का, 22 जनवरी का, हर विपक्ष के बड़े लीडरों को न्योता दिया गया,
लोग नहीं आए, तो इसमें उनका दुर्भाग्य है। इसमें राम राज्य या मोदी या विश्व हिंदू परिषद या सनातन धर्मियों का कोई दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य उन विपक्षियों का है। राम जी जब सेतु का बंधन कर रहे थे, सारे लोगों से उन्होंने मान किया और सभी मिल करके सेतु का पुल तैयार किए। उसी तरह से आज जो है हमने सबसे चंदा मांगा राम मंदिर के लिए। हम घर घर गए, ठेला खोमचा गरीब दुखारी दीन दुखिया 10 से लेकर के और करोड़ों तक सारे लोगों ने दिया। तो पूरे जन समाज का पैसा राम मंदिर में लगा हुआ है, जन सहयोग से मंदिर बना हुआ है। तो हम सबका आह्वान करते हैं कि आवें, लेकिन हमारे साथ अगर कोई धार्मिक शासक खड़ा हुआ, धर्म शासन मान करके योगी मोदी ने मंदिर के पक्ष में लोग खड़े हुए, तो एक शासक का कुशल धर्म होता है कि जो जनता को अच्छा लगे उस पर काम करे, और जब जनता को अच्छा लगा उस पर आदरणीय योगी और मोदी जी ने काम किया, जनता उनके साथ है। और 400 पार का 4 जून 400 पार का जो नारा है वो हकीकत परिणाम में बदलने वाला है। पूरी जनता उनके साथ सही है और भारत की जनता धर्म प्राण जानता है, हमेशा धर्म के साथ, चाहे वो विक्रमादित्य का शासन रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त का शासन रहा हो, चाणक्य जैसा या नीतिज्ञ कोई हुआ हो, विदुर जैसा नीतिज्ञ हुआ हो, हमेशा सनातन के साथ लोग खड़े हुए हैं। और रामराज की जो परिकल्पना है, रामराज की परिकल्पना आप अयोध्या में देख सकते हैं किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, लोगों का सामान पड़ा हुआ है, कहीं कोई चोरी उचक कहीं नहीं हो रहा है, सारे लोग स्वतंत्रतापूर्वक आधी आधी रातों को घूम रहे हैं, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। ये रामराज की सच्ची परिकल्पना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तु बिनु गत पाइए, राम राज्य में सारे वस्तुएं बाजार की रखी रहती थी और जितनी आपको हो सकता है उतना उठा के ले जाइए, किसी को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं थी कि आप सारे इसे अपने में ले जगह रख लीजिए, राम राज्य है। महाराज जी, जिस तरीके का माहौल इस समय राम में हम देख पा रहे हैं, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाता रहा, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ से? वो तुष्टिकरण का राजनीति छोड़ दे, क्योंकि राहुल गांधी तो एक भगोड़ा है, उसे स्मृति ईरानी से दौड़ा दौड़ा के उसको वायनाड भेज दिया है, तो उनको वायनाड के मुसलमानों पे ही भरोसा है, भारत के हिंदुओं पर उनको भरोसा नहीं है। तो वो भी राम राम करे ताकि उनको भी कुछ, उनका पूरा परिवार को कुछ मिले। बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी ममता बनर्जी को छोड़िए, वो माटी मानुष के बारे में कुछ नहीं कर रही है, वो भी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। मैं भी बंगाल से हूँ, तो अब बंगालियों को भी जागने का समय आ गया है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला सरकार प्रेम मूर्ति है, भगवान सबके हैं, विपक्षी की सबके हैं, जीव जंतु के कड़कड़ के रमे रमो, जो राम होते हैं, राम का अर्थ होता है जो सब में रमन करते हैं, वो तो सबके हैं, मगर कपटियों को राम जी भाते नहीं है, इसीलिए ये कपटी है, इनको भाता नहीं है। और हम लोग भी चुनाव को लेकर के भी, रामनवमी को लेकर के भी, हम लोग अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, और प्रभु से यही कहते हैं कि जो है प्रभु, जो आपको लेके चले, जो संत समाज को लेके चले, जो धर्म को लेके चले, जो विकास को लेके चले, जो नवयुवक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयों में, उनको लेकर के चले, सब चीज को लेकर चले, उसी को 2024 में आना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत देर से खड़े हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे चुनावी माहौल? मध्य प्रदेश से मैडम, और मोदी योगी को हाथ जोड़ के प्रणाम है, क्योंकि वे भी भगवान है इस जमाने के, और बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही करें। अच्छा, हाँ अच्छा लग रहा है माहौल।